ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो जैसा कि आपने देखा 29 को जो कॉल बौर ने दी थी, तो पिछले 3-4 दिन से हमारी जो ट्रांसपोर्टरों की मीटिंगें लगातार चल रही थी, और कल जो हमारी एक बड़ी वार्ता ट्रांसपोर्टरों की हुई, जिसमें पूरे ऑल जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनके प्रधान साहिबान थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रांसपोर्टर जम्मू की आवाज़ के लिए कहीं भी पीछे हटे हों। आपने देखा एम्स का मसला था, आईटीटी का मसला था, और 63 दिन बम बम बोले में ट्रांसपोर्टरों ने बंद किया। मगर अगर बार का मसला है, जैसा आप देखते हैं चैम्बर का मसला, ट्रांसपोर्ट तीन जो मेन पिलर हैं हमारी जम्मू प्रॉमिस में, तो सरकार के पास जाने से पहले इन तीन लोगों की, क्या मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन तीनों को इकट्ठे बैठ के इश्यूज पे बात नहीं करनी चाहिए थी? आप देखिए, जब भी हमारी स्ट्राइक होती है तो हम 10 से 15 दिन का टाइम सरकार को देते हैं, मगर ये बार ने जो जल्दबाजी में जो फैसला लिया है, तो कल जो हमारी मीटिंग थी, जितने भी हमारे ग्रुपों के प्रधान थे, क्योंकि कोरोना में हमने बहुत सारा नुकसान उठाया है, बहुत सारा लॉस हमारा हुआ है, और इस टाइम हमारी तीन यात्राएं चल रही हैं। मणि में एक चल रही है, मचेल माता की यात्रा चल रही है, आप देखिए माता रानी वैष्णो देवी के इतना यात्रु, और पीक पे हमारा ये सीजन चल रहा है। तो इस जल्दबाजी में जो चैम्बर ने जो फैसला लिया है, ट्रांसपोर्ट अभी इस हालात में नहीं है कि वो चक्का जाम करें, क्योंकि हमारी बलादरी का ये फैसला किसी एक ग्रुप का फैसला नहीं है। सारी आप देखिए लखनपुर से लेके पूरा हमारा कश्मीर एक ही छाता है, वो है ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो 3.5 लाख के करीब इसमें कमर्शियल व्हीकल्स हैं। तो मैं आपके माध्यम से क्लियर करूँगा कि हमारी तरफ से हम इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। आपको रोज़मर्रा की तरह गाड़ियां आपको